आज के इस दौर में ये कहा गया कि रक्तदान महादान, और यहाँ पर आकर के मुझे खुशी हुई कि अमर उजाला अखबार की तरफ से आज का आयोजन किया गया और इसमें एक बहुत अच्छा टारगेट भी रखा इन्होंने कि 70 से 80 यूनिट ब्लड यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। और जिस प्रकार आज देश में, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, इस दौर के अंदर मेरी अपनी सोच है कि आज जो दान करेगा, रक्त दान करेगा, वो सबसे बड़ा दान होगा, क्योंकि आज ब्लड की, रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर देश में लाखों लाखों की संख्या में आज कोरोना से प्रभावित लोग, संक्रमित लोग अस्पतालों में आ रहे हैं, इसलिए आज रक्त दान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से अमर उजाला के समस्त समूह को धन्यवाद देना चाहता हूं। अमर उजाला की तरफ से आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और महामारी के टाइम में किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अमर उजाला को और विशेष तौर पे कैथल की टीम को बधाई देता हूं जिसने इस आयोजन को किया। रक्त एक ऐसी समस्या है जो बाजार में नहीं मिलती, जो कहीं और से नहीं निकाला जा सकता। मनुष्य का रक्त मनुष्य के काम आता है, उसमें भी ग्रुप के चेक करके काम आता है। और हमारे भाई नसीब सैनी ने ये जो प्रोग्राम चलाया है, मैं कहता हूँ इनको बधाई होनी चाहिए और इनको इस काम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। मैंने सन 77 में ब्लड डोनेशन शुरू किया था। 8 बार के बाद मेरे को शुगर हो गई, ब्लड डोनेशन करना बंद कर दिया। मैं डोनर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर डोनेट करने के बाद 1 गिलास दूध और या 1 गिलास जूस पी लें तो हमारा कवरेज पूरा हो जाता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। मेरा नाम अंजू शर्मा है, मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ, साथ साथ मैं रेड क्रॉस काउंसलर भी हूँ। रक्त का सर आज के समय में भी हम, साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है पर इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बन सका है। रक्त की जगह हमें रक्त ही देना पड़ता है, मानव रक्त ही चाहिए। और आज जो समय इतना क्रिटिकल कंडीशन से पूरा संसार जूझ रहा है, हमारा देश जूझ रहा है, इसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, ताकि हम उन रोगियों की जान को बचा सकें जिन्हें रक्त की एकदम से बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, खास तौर पर ऐसे जो क्रिटिकल कंडीशन के रोगी हैं जिन्हें इमीडिएट ब्लड चाहिए, उनके लिए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप है, मैं 10वीं में खून दान किया है। जो जिसकी जान बचे वो फायदा रहेगा, जो दवाई देगा हमको उसकी जान बचेगी, बच्चे को भी आगे तरक्की करेंगे। जय माता दी। ठीक है जी, मेरा 11वीं बार का रक्तदान है, इससे पहले मैं 10 बार दे चुका हूँ। और जैसे मुझे राजेंद्र जी फेसबुक पे लाइव थे, जैसे मुझे पता लगा आज सनातन धर्म मंदिर में रक्तदान शिविर चल रहा है, मैं तुरंत सारे काम छोड़ के यहाँ आ गया और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये संदेश भी अच्छा, मतलब मैं समझता हूँ देना चाहिए सभी को कि रक्तदान जरूर करें, ताकि ज़रूरतमंद जो एक्सीडेंट में किसी कारण उन्हें रक्त मिलना चाहिए, वो हमारे किसी न किसी थ्रू उनको रक्त मिल जाता है। 5 बार दे चुका हूँ और सर जो भी आगे किसी को जरूरत पड़ती है उसके काम आए, तो सर यही योगदान है सर हमारा, तो आगे के लिए भी सर जब बुलाएंगे तभी आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये तो सर हर किसी के काम आने वाली चीज़ है सर, चाहे किसी को भी जरूरत पड़ जाए सर, ऑल इंडिया कोई दिक्कत नहीं है सर, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे सर।